बेरी उपमंडल गांव पलड़ा में मेरा गांव मेरा परिवार संस्था के सानिध्य में महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संदीप देशवाल प्रदेश प्रमुख विदेश संपर्क विभाग एनआरआई सेल ने बतौर शिरकत की। गांव पलड़ा के रेजांगला भवन में पहुंचने पर गांव पलड़ा की सरपंच भारती देवी तथा ग्रामीण महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा तथा अच्छे संस्कार प्रदान करना भी अति आवश्यक है। न्याय के बारे में ये पढ़ना जरूरी है। मैंने पोएम में बताया था ना, कैसे कल्पना चावला बनेगी, बबीता बनेगी। अच्छा, खेल में कोई बच्ची अच्छी है, उसको माँ बाप को समाज को भी खेल में प्रोत्साहन करना चाहिए। कोई गाने में है, कोई डांस में है, किसी बच्ची में कोई टैलेंट है तो हम सबको मिलकर उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो। और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई के बिना गुजारा नहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि शिकायतें बहुत होंगी। सरकार कोई भी आ जाए, इतनी नौकरियां नहीं है। हम पढ़ लिख करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, वरना नौकरी आसान नहीं मिलनी। तो पढ़ना लिखना बेटियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगले घर में भी मान सम्मान जब होगा, जब वो पढ़ी लिखी होगी और अपने दो पैसे कमाएगी, अपनी नौकरी करेगी, अपना बिजनेस करेगी, तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो मेरी तो यही है कि हमारी बेटियाँ पढ़ लिख कर आगे जाएँ और आगे भी वो रास्ता दिखाएँ, और वो हमारे लिए सम्मान की बात है। और वापिस अपने समाज को दें। मैं अपने आपके माध्यम से अपने एनआरआई साथियों को भी ये कहना चाहता हूँ, जिसका मैं प्रधान बना रखा हूँ, कि सभी मिलके आप अपने गांव के अंदर एक एक बेटी को अडॉप्ट करें, उनकी फीस दें अच्छे बच्चों की, या जैसे भी आप मदद करना चाहते हैं आप उनकी मदद करें, क्योंकि वो लोग संपन्न हैं, वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही मेरी युवाओं को शिक्षा है कि पढ़ लिख कर जाएं और एक अच्छा स्वास्थ्य अपना रखें। अपने आप अच्छा करेंगे तो हम समाज का अच्छा कर पाएंगे। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि गांव ग्रामीण क्षेत्र में आज जो भागदौड़ की ज़िंदगी भी है, उसमें महिलाएं बहुत ही तनावग्रस्त जीवन व्यतीत कर रही हैं। उस तनाव से छुटकारा पाए तभी आज जो हमारे डॉक्टर साहब जिस मुहिम को लेकर आए हैं, तभी वो सफल हो गया। नियमित मासिक धर्म की जो मुहिम चलाई है डॉक्टर साहब ने, तभी मेरा गाँव मेरा परिवार संस्था है, उसने महिला जागरूक शिविर लगाया था। उसमें हमने संदीप देशवाल भाई को बुलाया था, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के बारे में बताया और जो महिलाओं में अनियमित पीरियड्स हैं उसके बारे में बताया, और महिला हमारी जो शक्ति है, मातृशक्ति है, उनको उनके बारे में बताया कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें